नमस्कार। आज नमस्कार हमारे साथ ममता भूरिया जी जन सरोकार मंच के साक्षात्कार कार्यक्रम में मौजूद हैं। और ममता भूरिया जी सागर शहर की रहने वाली हैं। सागर मध्य प्रदेश का बहुत पुराना और प्रसिद्ध नगर है और यहाँ ये कई सालों से रह रही हैं और कविता लेखन से इनका भी बहुत गहन सरोकार रहा है और साहित्य प्रेम जो है इनका वह सर्वविदित है। इन्होंने गजलें लिखी हैं, गीत लिखे हैं और कविताएं लिखी हैं और पिछले 4-5 सालों से लेखन से इनका बहुत गहरा जुड़ाव कायम हुआ है। और आज जनसरोकार मंच के इस कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर ये पधारी हैं। आपका स्वागत है ममता भूरिया जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी। आप अपने बारे में बताइए कि आप सागर में कैसे आईं और यहाँ साहित्य से आपका जुड़ाव कायम हुआ। अपने कविता लेखन के बारे में, साहित्य प्रेम के बारे में आप बताएं। मुझे साहित्य के क्षेत्र में बचपन से रुचि है सर। मैं हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी पर कविताएं बोलती आई व प्रथम व द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया मैंने। मैं नाटक वाद विवाद में भी भाग लेती थी। इसमें भी मैं प्रथम व द्वितीय स्थान हमेशा हासिल किया। धीरे धीरे मेरी लिखने में रुचि होने लगी। अच्छा, तो लेखन में शुरू से आपकी रुचि रही है और फिर हाँ, आप लेखन में, वाद विवाद में आपने नाटकों को भी लिखा है। नहीं, कविताओं नाटक के अलावा किया है आपने सर नाटक मैंने। भी, नहीं, नाटक लिखा नहीं अच्छा है सर नाटक मैंने, आपने नाटक किया है। किया। हाँ, ये महाराज बनवीर नाटक और में मैं उदय सिंह आप, के दो, मैं 11th में महाराज बनवीर और उदय सिंह बनी थी मैं सर। दो रोल किए थे मैंने। हाँ, आपने अभिनय किया है कुछ नाटकों में अभिनय जी। किया है। ये पन्नाधाय का जो नाटक रहता है उसमें मैंने दो रोल जी किए थे। हाँ, एक अच्छा, उदय सिंह बनी थी मैं और महाराज बनवीर भी बनी थी मैं। एक ही दिन जी में मैंने दोनों अच्छा। रोल किए थे। और आपने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में से कुछ कविताओं को आप सुनाइए, हमें बहुत खुशी होगी आपकी कविताओं को सुनकर। अच्छा सर, एक माँ के जाने के बाद कैसा महसूस होता है उस पर मैंने कविता लिखी है। इन्हें माँ की तेरही जी हो हाँ रही है, इन्हें माँ की चिता जल रही है, उस समय का वर्णन है। जी, ठीक है, आप सुनाइए माँ माँ के के बारे में जाने लिखी से, गई हाँ, कविता। माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया, गम आया मातम छाया। माँ की जलती चिता ने मेरी नस नस में दुख भरा। माँ की जलती चिता ने मेरी नस नस में दुख भरा। मेरे सीने से जख्म उभरा, मेरे सीने से जख्म उभरा। घाव कर गया गहरा, घाव कर गया गहरा। प्रकृति का नियम है आना जाना, प्रकृति का नियम है आना जाना। पर माँ से संबंध ना था अनजाना, पर माँ से संबंध ना था अनजाना। माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया, माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया। तूफान जी उठा बहुत जब मन सुंदर। में अंतर को झकझोर दिया। तूफान उठा जब मन में अंतर को झकझोर दिया। दुख के सब कपाटों को क्षण भर में बाहर खोल दिया। दुख के सब कपाटों को क्षण भर में बाहर खोल दिया। घर के आंगन में नैनों ने रोने का संकेत किया। घर के आंगन में नैनों ने रोने का संकेत किया। मैं बेहोश हो गया, फिर पानी डाल किसी ने सचेत किया। मैं बेहोश हो गया, फिर पानी डाल किसी ने सचेत किया। मेरे ही सामने धू धू करती जलती रही माँ की काया। मेरे ही सामने धू धू करती जलती रही माँ की काया। माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया, माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया। गम हुआ जब मुझको सदमे में मेरे अंग हुए। गम हुआ जब जी मुझको सदमे में मेरे अंग हुए। जैसे लकवा ने मेरे सभी अंग छुए, जैसे बहुत लकवा सुंदर, ने बहुत मेरे सुंदर। सभी अंग छुए। गम में डूबा मैं घबराया, गम में डूबा मैं घबराया। राम नाम सत्य का गीत मैंने गाया, राम नाम सत्य का गीत मैंने गाया। माँ के जाने से दिन बदले घड़ियां बदली। गम आया मातम छाया।
माँ के जाने से दिन बदले, घड़ियां बदली, गम आया मातम छाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कार्यक्रम के शुरू में ही अपनी माता का स्मरण किया है और माता के नहीं सर, मेरी माँ तो अभी 86 साल की जिंदा है, पर ये 1 की 13 के समय मैंने ये गाया था सर। मेरी माँ अभी नहीं, 86 वर्ष की मैं, है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये कविता अपनी माँ के लिए लिखी है। माँ के बारे में कविता है, कविता का विषय तो माँ ही है ना। हाँ जी सर, कविता कविता का जो विषय है वो माँ है, और माँ ही है। आपने आपने एक तरह से अपनी माँ को का स्मरण किया है, सबकी माँ का स्मरण किया है, माँ का माता का स्मरण है ना। अच्छा जी सर, बिल्कुल, माता जो है वो उसका जो स्वरूप है वो बहुत विराट है, और वो आत्मा में और जगत के तमाम प्रकृति रूपों में वो वास करती है। और माँ जब हमारा साथ छोड़ देती है तो हम बहुत असहाय हो जाते हैं। जी सर, माँ जब हमारा साथ छोड़ देती है तो हम बहुत असहाय हो जाते हैं, और हम लोगों ने हम पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि देवताओं ने जब असहाय होकर माता का जब स्मरण किया था तो फिर उन्होंने अवतार ग्रहण किया था और देवताओं का संहार किया था, धरती पर जीवन को बचाया था। तो माता को बहुत विराट स्वरूप में देखा गया है भारत की आध्यात्मिक परंपरा में, और आपने कहीं ना कहीं उसी भाव को प्रकट किया है इस कविता में। जी सर, जी माँ के सर, माध्यम से आपने अपने मन की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, और जो खुशी है, जो आनंद है, निरंतर माँ हमारे साथ में बनी रहे, उसकी साहचर्यता, उसका आश्रय वो निरंतर कायम रहे, उसकी गोद में धरती हरी भरी बनी रहे, ये हमारी कामना है। और ममता भूरिया जी ने अपनी कविता में इन्हीं सब बातों का, इन्हीं सब भावों का वर्णन किया है। ममता जी आप अपनी दूसरी कविता सुनाइए, माता वाली कविता तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी सर, मैं सुना ये सर, ये मैंने सीनियर सिटीजन पे ये लिखा है। जब मैं ये 60 साल की हो गई तब मैंने ये लिखी। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। मेरा बवाल ना हो किसी से रखूं ख्याल। मेरा बवाल ना हो किसी से रखूं ख्याल। मन को ना दें इजाजत उसको मना करें। मन को ना दें इजाजत उसको मना करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। जिंदगी बीते सुनहरे लम्हों, यादों के लम्हों में दोस्तों। जिंदगी बीते सुनहरे यादों के लम्हों में दोस्तों। ना करें किसी से फरेब, ना दगा करें। ना करें किसी से फरेब, ना दगा करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। यूं तो दुनिया से जाना है सबको किसी भी पल। यूं तो दुनिया में जाना है को जाना है किसी भी पल। क्यों लड़कर जीते जी किसी से फासला करें। क्यों लड़कर जीते जी किसी से फासला करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। सबके जीवन में आती है धूप और छाया। सबके जीवन में आती है धूप और छाया। रखें न मलाल किसी से, ना गिला करें। रखें न मलाल किसी से गिला करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। आ गया सीनियर सिटीजन का दिन, खुदा से दुआ करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। अच्छा बीते वक्त वो इस मर्ज की दवा करें। सीनियर सिटीजन पर जो आपकी दूसरी कविता है, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया। बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया। कदम रखा सीनियर सिटीजन ने, मन गुनगुनाया। कदम रखा सीनियर सिटीजन में, मन गुनगुनाया। बहुत तलब थी प्यास इस दिन की। बहुत तलब थी प्यास इस दिन की। आज खुदा ने इस प्यास को पानी पिलाया।
आज खुदा ने इस प्यास को पानी पिलाया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, बीता गत वर्ष का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, कदम रखा सीनियर सिटीजन में मन गुनगुनाया, कदम रखा सीनियर सिटीजन में मन गुनगुनाया, दुख की बात आज मैं करती नहीं, दुख की बात आज मैं करती नहीं, लेकिन उनकी तस्वीर के आगे नम आंखों ने सर झुकाया, लेकिन उनकी तस्वीर के आगे नम आंखों ने सर झुकाया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, कदम रखा सीनियर सिटीजन ने मन गुनगुनाया, खुशियों का घेरा बनाया जिगर में लम्हे लिए, खुशियों का घेरा बनाया जिगर में लम्हे लिए, कब से बैठने का इंतजार था मिले उस तरुवर की छाया, कब से बैठने का इंतजार था मिले उस तरुवर की छाया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, कदम रखा सीनियर सिटीजन में मन गुनगुनाया, स्वागत किया मन की डाली ने, स्वागत किया मन की डाली ने, द्वार ने इस उपवन की बहार को थपथपाया, द्वार ने इस उपवन की बहार को थपथपाया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, कदम रखा सीनियर सिटीजन में मन गुनगुनाया, बीता गत बरस का सफर पूरा जीवन मुस्कुराया, कदम रखा सीनियर सिटीजन में मन गुनगुनाया। जी सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने अपनी जो खुशियां हैं सीनियर सिटीजन के रूप में उनको आपने शब्द दिया है इस कविता में। दोनों कविता हैं बहुत ही, मैंने वो खुशियां कायम रखी, मेरे हम सफर के गुजर जाने के बाद भी मैंने वो खुशियां मनाई सर। जीवन साथी जो है वो कभी कभी हमारा साथ छूट जाता है, जीवन साथी का साथ, लेकिन जो जीवन उनसे जुड़ी जो स्मृतियां हैं वो हमारे तन मन को सजीव बनाए रखती हैं, और स्मृतियां जो हैं वो निरंतर हमारे जीवन की जो आहट है उसको भरती रहती हैं मन में। तो बहुत ही मुझे बिरला ये कहना है कि आपने जो दो कविताएं सुनाई हैं उनमें आपके मन का की खुशियां प्रकट हुई हैं, और इसी बीच में आपने बताया है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो गुजर गए हैं, तो उनकी स्मृतियों को लेकर के भी आप कुछ कविताएं वगैरह सुना सकती हैं। तो, जी सर, हाँ तो मैं वो प्रस्तुत कर रही हूँ। जब वो मेरे घर पहली बार उनने मुझको देखा तो उनने जो महसूस किया मैंने वो कविता के रूप में व्यक्त किया है। हाँ, जब वो पहली बार मेरे घर आए हैं, मिलने को आतुर है दिल, उनने मुझे देखा और बोला, मिलने को आतुर है दिल, ओ हसीना मुझे अपनी महबूब, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, मिलने को आतुर है दिल, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, ख्वाबों में करो तुम बसेरा, ख्वाबों में करो तुम बसेरा, खुशियों भरा हो सवेरा, खुशियों भरा हो सवेरा, मुझसे शादी करके मिटा दो ये दूरी, मुझसे शादी करके मिटा दो ये दूरी, बन जाओ मेरी दुल्हन, हो जाए हसरत मेरी पूरी, बन जाओ मेरी दुल्हन, हो जाए हसरत मेरी पूरी, तुम्हारे साथ दिल में आशियाना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ दिल में आशियाना बनाना चाहता हूँ, ओ हसीना तुम्हें अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, अपनी पसंद पे है मुझे अटूट विश्वास, अपनी पसंद पे है मुझे अटूट विश्वास, मुझे है तेरे सहारे की आस, मुझे है तेरे सहारे की आस, दिल से दिल टकराने का साहस है अपार, दिल से दिल टकराने का साहस है अपार, तुमको प्यार की कश्ती में घुमाना चाहता हूँ, तुमको प्यार की कश्ती में घुमाना चाहता हूँ, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, तुझको देखकर दिल में उमंगे उठने लगी हजार, तुमको देखकर उमंगे दिल में उमंगे उठने लगी हजार, तेरा एहसास पाने को दिल बेकरार, तेरा एहसास पाने को दिल बेकरार, मैं तेरे साथ बसाना चाहता हूँ खूबसूरत संसार, मैं तेरे साथ बसाना चाहता हूँ खूबसूरत संसार, इश्क की वादियों में तेरे इश्क की वादियों में तेरे साथ घूमना चाहता हूँ, इश्क की वादियों में तेरे साथ घूमना चाहता हूँ, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ, ओ हसीना तुझे अपनी महबूबा बनाना चाहता हूँ। ममता भूरिया जी की कविताओं में एक बेतकल्लुफी है
और एक जिंदा दिली है, और ये दोनों बातें जो हैं वो हमारे मन को निरंतर इनकी कविताओं से बांधती हैं और अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। और इन दोनों कविताओं में हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा है अभी, और इसकी जो बातें हैं वो सब खासतौर पर इनकी कविताओं में वो सिमटती दिखाई देती हैं। प्रेम मूल स्वर है हमारे हृदय का और मन के भावों का, वो विस्तार जो होता है वो इश्क ही देता है। तो आपकी प्रेम कविताओं को सुनकर, इसकी या गजलों को सुनकर ममता जी हमें और भी खुशी होगी। आप आगे अपना कार्य पाठ जारी रखें। मैं अपने हम सफर के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती। हाँ बिल्कुल बताएं। हाँ, हम सफर श्री पीसी भूरिया जी के ऊपर मेरी सभी गजलें कविताएं लिखी गई हैं, जो कि 4 साल पहले कैंसर की वजह से परलोक सिधार चुके हैं। मेरे जीवन साथी मेरे दोस्त ज्यादा रहते थे, उन्होंने मेरे सुख दुख का हमेशा ध्यान रखा है। मैं खुले विचारों की महिला रही, शादी के बाद उन्होंने मेरा इस बात का विशेष ध्यान रखा। मेरे हम सफर हमेशा मुझे साथ लेकर ही घूमने जाते थे, मैं उनके साथ बैंक की हर पार्टी पिकनिक में गई हूँ। वह जो मित्र घर में आते थे उनके साथ बिठाकर मेरा परिचय कराते थे, उनको मेरा दिल खोलकर हंसना बहुत पसंद था। उनको मेरा दिल खोलकर हंसना बहुत अच्छा लगता था। कहते थे हमेशा जिंदगी भर तुम ऐसे ही दिल खोलकर हंसो। इसलिए उनके जाने के बाद भी मैंने ये हंसी कायम रखी है और मैं दिन में 20-25 बार दिल खोलकर हंसती हूँ। मेरा ये मानना है कि रंज ना करके बल्कि उनकी सुखद या स्मृतियों को याद करके खुश रहकर भी जिया जा सकता है। आज वर्तमान में जो पास में है वो उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। गम से निजात पाने के लिए सबसे कारगर उपाय है दिल खोलकर हंसना। बिन पैसे का टॉनिक है, सब रोगों की रामबाण दवा है। मैं दिन में 20-25 बार दिल खोलकर हंसती हूँ, टेंशन फ्री रहती हूँ। मुझे ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है, हाँ बस थोड़ी गैस्ट्रिक रोगी हूँ और मैं 62 साल की उम्र पार कर चुकी हूँ। सुंदर, आप हंसी आपको निरंतर निरोग बनाए रखती है, और हंसी जो है वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और आपने इस कविता में अपने मन के इस भाव को विशेष तौर पर प्रकट किया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई ममता भूरिया जी। ममता भूरिया जी, सागर शहर के बारे में बताएं। आप सागर की पुराने पुराने लोगों में हैं। सागर में आप कब आई, उस समय शहर कैसा था, अब शहर कितना बदल गया है, और इस शहर को आप किस तरह से जानती हैं, ये सब बताएं इस शहर के बारे में। मैं सागर शहर में 50 साल से रह रही हूँ। मैं सागर शहर के गोपालगंज स्नेह नगर कॉलोनी में 20 साल से रह रही हूँ। सागर शहर की विशेष चीजें, गढ़पहरा, वृंदावन मंदिर बस स्टैंड के पास, परेड मंदिर, गुलाब बाबा का मंदिर बड़े बाजार में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल FSL, पीली कोठी, दादा दरबार, पहलवान बब्बा, लाखा बंजारा झील, राजघाट, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, राहतगढ़ वाटरफॉल, राजघाट, रेडियो स्टेशन सागर, कमिश्नरी, बहेरिया तिगड्डा के बड़े शंकर जी, हाल ही का बना अटल पार्क, बागराज, हरसिद्धि माई का मंदिर, 6 किलोमीटर दूर बालाजी मंदिर हनुमान जी का, चक्रा घाट के पास सभी मंदिर हैं, मेडिकल कॉलेज के सामने देवी जी का सिद्ध मंदिर है जहां मैं डेली जाती हूं और 2 घंटा उनके भजन बैठ के, खुद के बनाए भजन बैठ कर गाती हूं, और उनको कई रूपों में देवी जी को मैं दर्शन करके आती। मेरा ये रोज का नियम है कि मैं 2 घंटा। आपने सागर की तमाम दर्शनीय जगहों के बारे में बताया है, और सागर की एक जगह छूट गई है जिसके बारे में आपने चर्चा नहीं की है, और वो है यहाँ की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। हाँ, सागर का जो विश्वविद्यालय है, भाग्योदय अस्पताल है, और जो ये ट्रस्ट वालों ने बनाया वो किया है, खुरई रोड पर है, वहाँ भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर भी बन रहा है। अब मैं आपको सागर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता रही हूँ सर।
सागर यूनिवर्सिटी सागर विश्वविद्यालय के डॉक्टर गौर को मैं नमन करती हूँ। उनकी शिक्षा में बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर और गौर शिक्षा के माध्यम में विशेष क्षेत्र में है प्रस्तुत किया है। बुंदेलखंड में पले बड़े, विदेश भी गए। उन्होंने बुंदेलखंड सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और हमेशा मन में उनके सबके मन में मानस में वे डॉक्टर गौर स्थापित रहेंगे। पूरे भारत में एकमात्र विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति ने पैसा लगाकर इसको बनवाया है और नाम और सारी दुनिया को शिक्षा का केंद्र बनाया, सारी लोगों को शिक्षा का केंद्र की सुविधा दी है उन्होंने। केंद्रीय विद्यालय के रूप में भी आज ये नाम आने लगा है, केंद्रीय विद्यालय के रूप में भी इसका नाम उजागर हुआ है। ममता जी, आप अपने भजनों को सुनाए। आप भगवान की भक्त हैं, देवी की आराधक हैं, आराधिका हैं, और आपने सच्चे मन से देवी की उपासना में, माता की अर्चना में जो भजन लिखे हैं आपने, उन भजनों को आप थोड़ा गाकर सुनाए जी। कर ले अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। सुन रे वंदे छोड़ दे काले धंधे, सुन रे वंदे छोड़ दे काले धंधे, संग न जावे धन का थैला, ये जग दो दिन का है मेला। संग न जावे धन का थैला, ये जग दो दिन का है मेला। कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। ना साथ जावे बंधु सखा, ना साथ जावे बंधु सखा, तू क्यों मोहे माया में बंधा, तू क्यों मोहे माया में बंधा, जाना तुझे है अकेला, ये जग दो दिन का है मेला। जाना तुझे है अकेला, ये जग दो दिन का है मेला। कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। संग कर ले वन ये तन मन न जाएगा साथ, तन मन न जाएगा साथ, कर वंदे अम्बे के दर्शन की बात, कर वंदे अम्बे के दर्शन की बात, संग जाएगा पुण्यों का थैला, ये जग दो दिन का है मेला। संग जाएगा पुण्यों का थैला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। तूने ठूस कर भरी है तिजोरी, तूने ठूस कर भरी है तिजोरी, कभी गया नहीं प्रभु जी की दहरी, कभी गया नहीं प्रभु जी की डहरी, कहीं बीत न जाए तेरे जीवन की बेला, ये जग दो दिन का है मेला। कहीं बीत न जाए तेरे जीवन की बेला, ये जग दो दिन का है मेला। कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक धेला, ये जग दो दिन का है मेला।
कर ले वंदे अम्बे की सेवा, लागे न एक देला, ये जग दो दिन का है मेला, ये जग दो दिन का है मेला। बोलिए माता रानी की जय। जय जय। तो बहुत अच्छा लगा माता रानी के स्तवन में आपने जो भजन बनाया है और जो सुनाया है, आपने इतने भक्ति भाव से इसको आपने गाया है और ये सच्चा मैं सर एक आपके चीज मन आपको से, बताना चाह आपके रही मन का हूँ। जो ये प्रेम भाव है, आपके मन का जो ये प्रेम भाव है माता के प्रति, वो सबके मन का प्रेम भाव बने और जगत जननी जो है वो सबका कल्याण करें, पूरे देश का मैं उस कल्याण फूल करें। के बारे में और एक बात बताना चाहती हूँ सर, उन माता रानी के बारे में। ये माता जी रानी ही मुझको 1 बजे उठाती हैं, 2 बजे, 2:30 बजे, जब उठाएंगी मेरे को तुरंत हाथ पैर धो के उनका स्मरण करके लिखना पड़ता है भजन तुरंत। वो मुझको बुद्धि देती हैं अच्छा, लिखने के लिए और मेरी कलम चलती है, बिल्कुल समय वो ईश्वर निश्चित ही करती है हमें, माता रानी। बिल्कुल। तो आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया है, आप भजन भी लिखती हैं और भजन जो है वो हमारे हिंदी साहित्य में बहुत पहले से लिखा जा रहा है, संत कवियों ने भजन लिखे और तुलसीदास और सूरदास ने भजन लिखे, मीराबाई ने भजन लिखे और उसी क्रम में आप भी भजन लिख रही हैं। और ममता जी, आप महिलाओं के बारे में अपने विचारों को रखें, हमारे समाज में स्त्री और अच्छा पुरुष जो है ये दोनों सामाजिक जीवन के दो पहलू हैं जी और सर। इनमें किस तरह का सामंजस्य जो है वो आप देखना चाहती हैं समाज में, समाज में महिलाओं अच्छा की ये जो मैं दशा है आजकल, हाँ समाज में महिलाओं की जो दशा है, महिलाओं के जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी आप निरंतर चिंतन करती रही हैं, इन पर प्रकाश जी डालें सर। आप थोड़ा सा नारी जीवन के बारे में हाँ सर, अपने विचारों हाँ को। जी सर। मैं सभी के समाजों में गई हूँ, मैंने देखा है कि आज भी मैं जाती हूँ तो समाज की नारियां घर के बाहर मेरे साथ मिलने नहीं आती हैं। मुझको बहुत खराब लगता है सर कि आज भी समाज में कितना कुरीतियों का निवास है कि उनको सामने, जेंट्स लोगों के सामने बात करने नहीं दिया जाता, उनको सिर का जी, घूंघट उतारने नहीं पुराने दिया रिवाज सब जाता। जो है अभी भी है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों से बात करने नहीं दिया जाता है, पुरुषों से बातचीत भी करती हैं नहीं वो, नहीं कई लेकिन जगह की सर। जो महिलाएं घरों में रहती हैं, नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं, तो उनके ऊपर तो थोड़ी बंदिश है ही। तो सर मैंने हाँ एक कविता भी लिखी है, एक कविता बता रही हूं मैं सर। हाँ सुनाइए। हाँ, नारी कभी आजाद नहीं रहती, नारी कभी आजाद नहीं रहती, उसके पैरों में हमेशा बेड़ियां रहती, उसके पैरों में हमेशा बेड़ियां रहती। सपने में वो चौखट लांग भी जाए, सपने में वो चौखट लांग भी जाए, सच में दुनिया दहलीज तक ही होती है, सच में दुनिया दहलीज तक ही होती है। आज पानी सी निर्मल, कल हवा सी चंचल, कल हवा सी चंचल, पर रहती है मोम सी कोमल, पर रहती है मोम सी कोमल। मौका पड़े तो पत्थर भी बन जाती है, मौका पड़े तो पत्थर भी बन जाती है, कभी बहन के रूप में कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में कभी पत्नी के रूप में। रिश्तों के कुरुक्षेत्र से टकराती हुई, रिश्तों के कुरुक्षेत्र से टकराती हुई, उन्हें बचाकर जीवन में लगी रहती है, उन्हें बचाने में जीवन में लगी रहती है। सब कुछ दुख को सहकर, मन में सारे जख्म रखकर, सब दुख को सहकर, बहुत सुंदर, मन में बहुत सारे सुंदर। जख्म रखकर, कभी सड़कों पर कभी बंद दीवारों के भीतर, कभी सड़कों पर कभी बंद दीवारों के भीतर, कभी कोई तरस नहीं खाता, कभी कोई तरस नहीं खाता, हर समय उपेक्षा ताने सहती रहती है, हर समय उपेक्षा ताने सहती रहती है, कभी पीटी जाती है कभी मारी जाती है, कभी पीटी जाती है कभी मारी जाती है, मिट्टी की तरह हर जख्म सह लेती है, मिट्टी की तरह हर जख्म सह लेती है। जब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करती है, जब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करती है तो आंसू से आंख भिगो लेती है, तो आंसू से आंख भिगो लेती है, माया जालों में उलझी रहती है, माया जालों में उलझी रहती है, सारे जंजालों में को जानती है, अपने खूबसूरत परों को सहेज कर, अपने खूबसूरत परों को सहेज कर
स्वयं को पिंजरे में कैद कर लेती हैं, स्वयं को पिंजरे में कैद कर लेती हैं, बगैर नौकरी के भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं, बगैर नौकरी के भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं, कभी बाबा का घर तो कभी पति का घर संभालती हैं, कभी बाबा का घर तो कभी पति का घर संभालती हैं, घर कौन सा कहलाता है उसका खुद का, घर कौन सा कहलाता है उसका खुद का, यही सोचकर अपना अस्तित्व खोजती रहती हैं, यही सोचकर अपना अस्तित्व खोजती रहती हैं, ख्वाबों और हकीकत के बीच फंसी हुई, ख्वाबों और हकीकत के बीच फंसी हुई खुद को महसूस कराना चाहती हैं, खुद को महसूस कराना चाहती हैं। आज तक किसी ने नारी के दर्द को नहीं समझा, आज तक किसी ने नारी के दर्द को नहीं समझा, ना कभी महसूस करने की कोशिश की, ना कभी महसूस करने की कोशिश की। आज भी पहले जैसी विडंबना है, आज भी पहले जैसी कहीं कहीं विडंबना है। वाहरी नारी तेरी अजब कहानी, वाहरी नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध आंखों में है पानी, सभी नारियों को समझते। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई है, नारी जीवन का यथार्थ बिल्कुल इसमें साकार हो गया है आपकी इस कविता में। और आपने जो एक नारी के रूप में आपने अपने हृदय के भावों को, सच्चे भावों को, नैसर्गिक भावों को आपने प्रकट किया है, और जो नारी जीवन की जो पीड़ा है, जो उसका हर्ष है उसके हृदय का, संसार के प्रति, समाज के प्रति, और जो भूमिका है समाज को आगे ले जाने में, उन सब का, उन सारे प्रसंगों का आपने इसमें वर्णन किया है। इसके लिए आपको बधाई। और ममता जी, आगे अपनी और भी कविताएं आप सुनाएं, आपके पास में और भी कविताएं होंगी। मैं हम सफर के बारे में, कि मेरे हम सफर चले गए हैं तो अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए। उसमें वियोग का जो भाव है, वियोग का प्रसंग है ना, श्रृंगार की कविता है, वियोग का प्रसंग है, प्रीतम की यादें हैं इसमें, सुनाइए। आज अब मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, किसे बताऊं मैं किसकी हूं, किसे बताऊं मैं किसकी हूं, हम सफर ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, हम सफर ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, चारों तरफ भीड़ है फिर भी मैं अकेली हूं, चारों तरफ भीड़ है फिर भी मैं अकेली हूं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, दिखते चेहरे बहुत हैं पर आवाज दूं किसको, दिखते चेहरे बहुत हैं पर आवाज दूं किसको, सांसें थम रही हैं मेरी आखिर पूछूं किससे, सांसें थम रही हैं मेरी आखिर पूछूं किससे, अपनी कहानी बताऊं किसको, अपनी कहानी बताऊं किसको, अपना दिल का दर्द सुनाऊं किसको, अपना दिल का दर्द सुनाऊं किसको, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, वैसे इस शहर में लगभग सभी दुखी हैं, वैसे इस शहर में लगभग सभी दुखी हैं, अपनी बात सुनाने उतावले सभी हैं, अपनी बात सुनाने उतावले सभी हैं, वो कभी गलत नहीं है ऐसा समझते सभी हैं, वो कभी गलत नहीं है ऐसा समझते सभी, खुशनुमा पर भी भीतर टूटे, भीतर से टूटे सभी हैं, खुशनुमा चेहरे पर भीतर से टूटे सभी हैं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, अब बची सांसों की मिल्कियत संभाली नहीं जाती, अब बची सांसों की मिल्कियत संभाली नहीं जाती, हम सफर बिना अधूरी जिंदगी जी नहीं जाती, हम सफर बिना अधूरी जिंदगी जी नहीं जाती, बहुत प्रयास करती हूँ मैं, बहुत प्रयास करती हूँ मैं, पर उनकी स्मृति नहीं जाती, पर उनकी स्मृति नहीं जाती, रोज रोज रात आती है, रोज रात आती है पर चांदनी का चांद कहीं नजर नहीं आता, पर चांदनी का चांद नजर नहीं आता, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं, आज मैं अपनी सांसों का हक किसको दूं। बहुत सुंदर ममता जी, अपने प्रिय प्रियतम की स्मृति में आपने जो कविता सुनाई है वो उसने हम लोगों के मन को भाव विभोर कर दिया है, और आंखों में एक पीरा भी जो है वो छलक रही है, और आपने बहुत सुंदर समा, आपने बहुत सुंदर समा आपने कायम किया है आज पटल पर काव्य पाठ करके। उनके बारे में और बोलना चाहूंगी सर, उनके बारे में। हाँ, मेरी और उनकी लव मैरिज हुई है सर, पर सेटल मैरिज थी,
वो मैंने अच्छा जो अच्छा आपको बताया था ना पहली नजर में उनने देखा तो वो मेरे घर के चक्कर लगाने लगे थे सर रोज, बैंक अच्छा में अच्छा नौकरी करते थे। हाँ तो और जी फिर जी सेटल मैरिज हुई है तो, पर मेरे दोस्त ज्यादा रहे हम सफर, और हम दोनों दिल खोलकर दोनों खूब हंसते थे। मेरे लोग मेरी जी कुंडली नहीं मिलाई गई, पर मैं अगर जो फीलिंग महसूस करती थी कि जैसे आज मेरे को बागराज मंदिर जाना है तो मैं चाय लेके उनके पास आती थी, तो उसके पहले वो कह देते थे कि चलो आज बागराज मंदिर जाऊंगी, जबकि मैं उनको बोलती तक नहीं थी। ये एहसास उनके पास पहले पहुंच जाता था सर, ऐसा एहसास एक दूसरे के प्रति हो जाता था। मैंने बहुत बार अनुभव किया कि मैं जो बोलना चाहती उसके पहले वो स्वयं बोल देते थे, और हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे सर, बहुत चाहते थे। मेरे हम सफर ने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से रखा, मलेशिया सिंगापुर विदेश भी घुमाया, A to Z सब सुविधाएं दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ सर। ममता जी, तो आप अपनी माँ के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पिता के बारे में और अपने घर द्वार के बारे में, नैहर के बारे में, मेरा आशय नैहर से है, हाँ तो मेरी उनके माँ बारे में पिताजी आप थोड़ा दोनों, बताएं। हाँ मेरी माँ पीएसएफ विवाह से वाले, पहले जो हाँ आपका जीवन रहा उसके बारे में आप बताएं। मैं वो 14 साल रहली में रही, धाना के आगे रहली है, वहां मैं मेरा पूरा बचपन 14 साल रहली में बीता, वहीं मैं खेली बड़ी बड़ी हुई वहां तक, वहां मैंने 11th तक अपनी डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं सागर में आई हूँ, तो 14 साल पूरे मेरे बचपन के पूरे खुशियों भरे, मंदिर में वहीं पास में मंदिर था, वहां जाना, दौड़ लगाना, साइकिल चलाना, बहुत मजे से हाँ, नैहर से जुड़ी जो यादें हैं आपकी। हाँ, मैं यही बता रही, मेरी माँ रैली में थी तो माँ और पिताजी दोनों टीचर थे, जी टीचर थे तो रैली में टीचर रहे, फिर रैली से सागर प्रमोशन हुआ माँ का, और पिताजी का सांकरा रायपुर प्रमोशन होकर प्रिंसिपल होके गए वहां पर, तो उनने वहां पर, और फिर मेरी माँ सागर आ गई, कुछ समय सागर रही, फिर उनका PSM कॉलेज प्रमोशन हो गया, मेरी माँ MA, AA, MA, MEd रही आई मेरी माँ, और अच्छा, मेरी माँ ने मुझको 6वीं में भी पढ़ाया है, मेरी माँ मेरी क्लास टीचर भी रही है, मेरी माँ अच्छा मेरी हाँ मेरी माँ क्लास टीचर भी रही है, और मेरी जो बाल मंदिर की टीचर हैं जिन्होंने मुझे रहली में पढ़ाया है, वो मेरे स्नेह नगर कॉलोनी में 4 कदम पर रहती हैं, आज भी वो बाल मंदिर में पढ़ाई हुई मैडम, तो मैं उनको अपनी इश्क मोहब्बत की गजल कविता भजन अक्सर सुनाने पहुंच जाती हूँ, वो बड़ी खुश होती है मेरी चीजें सुनकर, और मैं उनका चरण स्पर्श करने समय समय पर शिक्षक दिवस और विशेष स्थितियों में जरूर जाती हूँ। तो मेरा पूरा बचपन बहुत ही सर खुशहाल बीता है, और मेरे पिताजी भी दिल खोल कर हंसते थे, यही चीज उनने सिखाई कि जीवन में संघर्ष करना सीखो, डट कर मुकाबला करो, कितनी भी परेशानियां आए कभी हिम्मत नहीं हारना, अपने को टूटने नहीं देना, वो चीज सर मैंने गांठ बांध ली। और क्योंकि मैं 18 साल पहले मेरी एक व्याधि हो गई थी, मेरे खाने की नली में छाला था, तो मैंने इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल की दवाई खाई, खाते खाते मेरे हाथ की तीनों उंगलियां तिरछी हो गई, हाथ काले पड़ गए, पैर सुन्न हो गए, हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन चला गया, मेरी लड़की PhD के अंतिम चरण पर थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने एक्यूप्रेशर की 450 की 2 किताबें लाई, और मैंने पूरा अपना उसमें लिख देख देख के अपना सब करके उसमें जान डाल दी। 3 दिन में मैं ओम नमः शिवाय मंत्र लाखों करोड़ों लिखती हूँ, मैं उस समय हादसा हुआ लिख रही थी, 3 दिन में मेरी उंगली ज्यों की त्यों हो गई सर, यानी उसके सब कालापन दूर हो गया, हाथ का कालापन दूर होने लगा, मैं और धीरे धीरे मैं चलने लगी, मैंने भूरिया जी की एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेने दी और ना किसी का सहारा लेकर चली, मैं अपने आप ही चलती रही, और मेरी लड़की की PhD भी बहुत अच्छे ढंग से हुई, अच्छे नंबर से उसने डिग्री हासिल की, और हमने किसी को भी मन में ये उदाहरण लेख लिखा है कि हीन भावना के रोगी नहीं होना, जो सामने है कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करना, तो आज मैं वो जंग जीत गई, और मैं आज भी सुंदरकांड की महिला मंडल की सदस्य हूँ, वहां 20 साल से जाती हूँ, मैं ही सुंदरकांड चालू करवाती हूँ और मैं ही खत्म करवाती हूँ, वहां अपने बनाए भजन 1 घंटा गाती हूँ और फिर मैं वहां से आती हूँ, तो मेरे मेरे ममता को ममता कवि भूरिया जी, जी का एक भजन और सुनाना चाहूंगी, देवी सुनाइए जी का, सुनाइए। हाँ हाँ, सुनाइए। कर लो सखी विश्वास रे, कर लो सखी विश्वास रे, मही अरे रानी गिरे काहे भटक रही,
अम्बे जी है तेरे पास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, कर लो सखी विश्वास रे, कर लो सखी विश्वास रे। बैठ के नदिया किनारे पीती नहीं सखी जल प्यारा, बैठ के नदिया किनारे पीती नहीं सखी जल प्यारा। कैसे बुझे पाए तेरी प्यास रे, अम्बे जी है तेरे प्यास रे, कैसे बुझे पाए तेरी प्यास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। कर लो सखी विश्वास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। मोह माया का जाल तू हटा ले, मोह माया का जाल तू हटा ले, माँ के नाम की जोत जला ले, माँ के नाम की जोत जला ले। कर मिलन की आस रे, अम्बे जी है तेरे पास रे, कर मिलन की आस रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। कर लो सखी विश्वास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। जैसे हिरण की नाभि में बसी कस्तूरी, जैसे हिरण की नाभि में बसी कस्तूरी। पर समझ ना पाए ये है मजबूरी, पर समझ ना पाए ये है मजबूरी। ना करे वो प्रयास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे, ना करे वो प्रयास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। कर लो सखी विश्वास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, अपने मन का पर्दा खोल जरा तू, अपने मन का पर्दा खोल जरा तू। फिर माँ के दर्शन पाएगी तू, फिर माँ के दर्शन पाएगी तू। तेरे मन मंदिर में है उनका वास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे, तेरे मन मंदिर में है उनका वास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। कर लो सखी विश्वास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, मही अरे रानगिर काहे भटक रही। अम्बे जी है तेरे पास रे, अम्बे जी है तेरे पास रे। बोलिए अम्बे माँ की जय। जय जय ममता भूरिया जी आध्यात्मिक चेतना की कवित्री हैं और भारतीय नारी के जो परंपरागत संस्कार रहे हैं ईश्वर में असीम आस्था उससे प्रेम, तो यह इनकी काव्य चेतना का भी मूल भाव है, मूल स्वर है। और अभी हमने इनके भजनों में इन सब सारी बातों को हमने देखा और महसूस किया। ममता जी अब अपनी कुछ अन्य अभिरुचियों के बारे में भी आप बताएं। फेसबुक पर आपका आपके कुछ ये फूडिंग फूडिंग दौड़ लगाना फूडिंग वगैरह से खाना खजाना ये सब कुछ आपके ये फेसबुक पेजेज हैं। मैं अपने बनाए ब्यूटी टिप्स भी उसमें फेसबुक में डालती हूँ। ममता का खाना खजाना खुद की बनाई व्यंजन विधियां भी फेसबुक पर डालती हूँ। और हंसने के टिप्स अपने विचार रोज गुड मॉर्निंग में राधे राधे में प्रकट करती हूँ कि जितना दिल खोल कर हंस सकते हो उस हंसी को, कुदरत की देन हंसी को कबूलो और उसको जितना उपयोग कर सकोगे तुम लोग वो रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे और बीमारी से जल्दी से निजात पा जाओगे। तो मेरे गुड मॉर्निंग विश वगैरह सब इसी प्रकार के सर चलते हैं। मैं बहुत सारे और भी विचार व्यक्त करती हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, सफलता आपके चरण चूमेगी और आपको हर हाल में आपकी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगी। जरूर ममता जी आपने अपनी कविताएं सुनाई और आपकी कविताओं को सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा
और अपनी और भी दूसरी कविताओं को आप सुना सकती हैं। कार्यक्रम में कुछ समय भी और भी शेष बच रहा है। हाँ मैं अपने हाँ मैं भूरिया जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मैंने एक गजल बनाई। अच्छा तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती। जी, ऐसी कोई बहुत तराजू सुंदर, लाकर बताए, ऐसी कोई तराजू लाके बताए, जो बहुत सुंदर, बहते बहुत सुंदर। अशकों के बहते हुए दरिया को है तौलती, जो अशकों के बहते हुए दरिया को हो तौलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मैं उनको ढूंढूं पर कहीं सुराग तो मिले, मैं उनको ढूंढूं पर कहीं सुराग तो मिले, मेरी आवाज भी उनके कानों में नहीं डोलती, मेरी बहुत आवाज सुंदर, भी बहुत उनके सुंदर। कानों में नहीं डोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, तस्वीर में बहुत सुंदर, सजा बहुत दो सुंदर। कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मौत बहुत जिद्दी है सुंदर। कभी लब नहीं खोलती, सन्नाटे से तर बतर है घर, सन्नाटे से तर बतर है घर, गम से भरा जहर दिल में है घोलती, गम से भरा जहर दिल में है घोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती। एक बहुत सवाल सुंदर, खुदा से पूछ रही हूँ, एक सवाल खुदा से पूछ रही हूँ, उनका हाल जानने की राह क्यों नहीं खोलती, उनका हाल जानने की राह क्यों नहीं खोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग नहीं, वो रंग कभी नहीं बोलती, तस्वीर में सजा दो कितने भी रंग कभी नहीं बोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती, मौत जिद्दी है कभी लब नहीं खोलती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपनी कविताएं सुनाई और अपनी गजलें भी आपने हमें सुनाई हैं और हाँ भजन सुनाए हैं। सब में आपके हृदय का जो सहज भाव है वह प्रकट हुआ है, और नारी जो है वो सहजता की, सरलता की प्रतिमूर्ति कही जाती है, और आपका जो जीवन है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें बहुत ही साफ साफ ये दोनों बातें जो हैं वो दिखाई देती हैं, और ये आपकी कविताओं का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य भी है। आपकी कविताओं की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है उसकी सरलता, उसकी सादगी, उसकी सहजता, और हम लोगों को इन सब से, इन सब के आस्वादन का सुख प्राप्त हुआ आज की इस काव्य संध्या में। और आपके साथ हम लोगों ने जो कविताएं सुनी हैं, यादगार कविताएं हैं ये सब, और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप कार्यक्रम के शेष समय में भी काव्य वाचन जो है जारी रखें और कुछ और कविताएं आप सुनाएं। और सुनाती हूँ सर, मैं इनके संग कैसी जिंदगी गुजारी, मैं उस पर एक गजल सुना रही। तेरे सुनाइए। संग मुस्कुराती जा रही है जिंदगी, तेरे संग मुस्कुराती जा रही है जिंदगी, दर्द छुपाती जा रही है जिंदगी, दर्द छुपाती जा रही है जिंदगी, दिल महकाती जा रही है जिंदगी, दिल महकाती जा रही है जिंदगी, प्यार निभाती जा रही है जिंदगी, प्यार निभाती जा रही है जिंदगी, तेरी आंखों में झांककर प्रेम का गीत गाती जा रही है जिंदगी, तेरी आंखों में झांककर प्रेम का गीत गाती जा रही है जिंदगी, तेरे संग मुस्कुराती जा रही है जिंदगी, बाहों में आने पर कसम साती जा रही है जिंदगी, बाहों में आने पर कसम साती जा रही है जिंदगी, मेहंदी की खुशबू से महकाती जा रही है जिंदगी, बहुत सुंदर, मेहंदी की बहुत सुंदर, खुशबू से महकाती जा रही है जिंदगी, प्यार से बसे शहर में, प्यार से बसे शहर में दिल को सजाती जा रही है जिंदगी, दिल को सजाती जा रही है जिंदगी, दो जिस्मों को मिलाती जा रही है जिंदगी, दो बहुत जिस्मों सुंदर, को बहुत सुंदर, मिलाती जा रही है जिंदगी, प्रीत की रागनी गा रही है, प्रीत की बहुत सुंदर, रागनी बहुत गा रही सुंदर। है, इश्क की राह जाती जा रही है जिंदगी, इश्क की राह जाती जा रही है जिंदगी, वो मुस्कुराती जा रही है जिंदगी, मुस्कुराती जा रही है जिंदगी। ममता भूरिया जी, आपकी जी कविताएं
जो है वो हमें निरंतर याद रहेंगी, और हम आपसे अब विदा लेना चाहते हैं। आज की काव्य संध्या में आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाल कर दिया है, और आपने कविताएं आपने सुनाई हैं, आपने बहुत सारी जीवन की, समाज की, बहुत सारी और दूसरी बातों की भी चर्चा की है। इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और फिर हम लोग अगले कार्यक्रम में फिर कभी मुलाकात होगी। काव्य यात्रा का जो ये सिलसिला है वो निरंतर जारी रहे, और हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हमें आप अनुमति दें। श्रोताओं, ममता भूरिया जी का साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा, और अब आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जन सरोकार मंच की ओर से हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त भी करते हैं। नमस्कार जी सर, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार सर। जी सर, आप सभी ममता का जी भी आपके बहुत प्रति आभार, आभार शुक्रिया। आभार हाँ, धन्यवाद।